दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि MR इंजन हैकर जैसा किस प्रकार हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार पिक्सल एक को डाउनलोड करके इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना और सबसे क्लिक करना होगा। ऐसा सेप्स आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो राउंड वाला सेप है इसको ले लेना है। फिर यहाँ पर नीचे देखिए ओपेसिटी है, उसको बिल्कुल से आपको कम कर देना है। यहाँ पर देखिए ओपेसिटी है, इसको हम बिल्कुल से कम कर देते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टॉक, इसको आपको 25 तक कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 25 तक कर लिया, ओके। और आप यहाँ से देख सकते इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और जो ये ऊपर न्यू टेक्स्ट नाम आ रहा है इसको आप हटा भी सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से हटा सकता हूँ 20 में, ठीक है। इस प्रकार बन जाने के बाद में आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और सेप्स पर क्लिक करना और ऐसा सेप्स आपको आएगा, इसको आपको एडजस्ट करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा, जैसे कि मैं कर लेता हूँ। और इसका कलर है जो आपको ब्लैक कर देना, जैसे कि मैंने ब्लैक कलर कर लिया। और इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टू बैक, टू बैक पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हमें इसे मर्ज करना होगा, इन दोनों ऑप्शन को हमें मर्ज करना होगा, जैसे कि ये बीच में हिल रहा है तो मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ऐसे करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद में देखिए ये हमारा मर्ज हो गया है। आपको थोड़ा आराम से बनाना है, मैं आपको जल्दबाजी में थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद में क्या होगा, आपको इसका कलर है वो यहाँ पर देखिए, आपको कलर वाले ऑप्शन देने जाना, आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए जो सिल्वर कलर की फाइल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको इनेबल कर देना और इसको यहाँ से बढ़ा देना। इस प्रकार से देखिए ये बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब क्या करना है, फिर से मैं प्लस वाले आइकन पर जाना, यहाँ पे सेप्स पर क्लिक करना और यहाँ पे इसका राउंड वाला सेप्स लेना हमें। फिर यहाँ पे इसका कलर है वो ब्लैक करना है, ठीक। फिर यहाँ पर आपको देखिए क्रॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हमें क्रॉप करना होगा इतना था, जैसे मैंने इतना क्रॉप कर दिया। अब हमें इसे साइज़ में एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको भी एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, आपको आराम से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको देखना टू बैक पर क्लिक कर लेना, जैसे कि मैंने टू बैक पर क्लिक कर लिया, तो इसे भी हमें मर्ज करना, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोनों को ऐसे क्लिक करके मर्ज कर लेना है, जैसे कि हमने मर्ज कर लिया, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक इमेज लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ पर इम्पोर्ट पर जाता हूँ और यहाँ से जो इमेज है ये मैंने यहाँ से ले ली, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर आप क्या करना है, इन दोनों को हमें साइज़ में बैठाना है, जैसे कि हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं और ये देखिए नीचे जा रहा है, तो आपको हमें 2% कर देना है। यहाँ पर तो हम इसे साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर साइज़ को एडजस्ट कर लिया है, ये मान लीजिए हमारा साइज़ एडजस्ट हो गया, तो इसे भी हमें मर्ज कर देना है। यहाँ पर ओके कर देना है मर्ज करके, ठीक है, ये भी मर्ज हो गया। देखिए यही से हिलना नहीं है। अब हमें क्या करना है, मर्ज करने के बाद इसे क्रॉप करना है, जैसे कि हमने क्रॉप पर क्लिक किया और ये राउंड वाला सेप्स है इसको दिखाई दिया। इस प्रकार हमें जो हमने सिल्वर बैकग्राउंड दिया था, जैसे कि आप देखते हैं मैं स्क्रीन पर कैसे कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, जिसके हमारा ये बनकर यहाँ से तैयार हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें शेडो भी डालना है, पहले हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पे जाना और हमें नाम लिख लेना है, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहते हो, जिसके मैं लिख रहा हूँ हमारा इंडियन हैकर, जिसके मैंने नाम लिख लिया। फिर यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर आप नीचे लगाना चाहते हो नीचे भी लगा सकते हो, और यहाँ पर पूरी लाइन में लगाना चाहते हो पूरी लाइन में लगाना चाह सकते हो। तो आपको यहाँ पर कलर पर चेंज करना है और फोन पे यहाँ पर चेंज करना होगा, जैसे कि मैं फोन पे मेरे पास कोई नहीं, मैं फोन पे ले लेता हूँ, वो कलर है वो ब्लैक ले लेता हूँ, ओके। अब हमें इसका पीछे का बैकग्राउंड है वो बदलना है और साथ में हमें ये भी मर्ज कर लेना है, जो नाम हमें लिया है इसको भी हमें मर्ज कर लेना है, ताकि हमारा इधर से उधर फेरे भी लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लगाता हूँ, आपको यहाँ पर जाना है कलर से, जैसे ये कलर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको कलर कोड करना और बैकग्राउंड में वाइट कलर कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेडो देना आपको, शेडो पर जाना, शेडो कितना है दिखा देना है। देखिए हमारा बनकर एकदम से तैयार हो गया, इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से हम आसानी से इसे बना सकते हैं और सेव पे जाके सेव इमेज पे क्लिक करके अल्ट्रा पे आप जाके आसानी से सेव कर सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। धन्यवाद।